विश्व धरोहर के रूप में विख्यात शिमला कालका रेल में हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा 13 और 14 अगस्त को चतुर्थ भलको स्मृति साहित्यिक यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, जिसमें हिमाचल साहित्य देश भर के कुल 43 लेखकों व साहित्यकारों ने भाग लिया। शिमला से यह साहित्यकार सोलन आए व बड़ोग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेल में साहित्यिक चर्चा की। वहीं दूसरी ट्रेन से बड़ोग रेलवे स्टेशन से शिमला के लिए साहित्यिक चर्चा करते हुए रवाना हुए। चलती रेल में देश का यह पहला ऐसा अनूठा आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें स्टेशनों के नाम से कहानी संस्मरण, कविता और संगीत के सत्र तय आयोजित किए गए। इस भलखू स्मृति साहित्य यात्रा का मुख्य उद्देश्य बाबा भलखू के कालका शिमला रेल मार्ग के लिए दिए गए योगदान को जिंदा रखना है व लोगों को जागरूक करना है। बात करते हुए हिमाचल साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष SR हरनोट ने बताया कि रेल में बाबा भलखू स्मृति साहित्य की यात्रा करवाने का मुख्य उद्देश्य बाबा भलखू के रेले के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को याद करना है। उन्होंने कहा कि बाबा भलखू कोई बाबा नहीं थे, वह एक ऐसे मजदूर थे जिन्होंने सुविधाएं ना होते हुए भी रेल के लिए अपनी अद्भुत कारीगरी से ट्रेन चलाई। उन्होंने कहा कि वहीं साहित्यकारों ने भी इस साहित्यिक यात्रा को लाभकारी बताया व कहा कि इससे एक अनूठी अनुभूति उन्हें हुई है। उन्होंने कहा कि जो उन्हें बाबा भलखू के बारे में मालूम भी नहीं था, वह जानकारी भी इस साहित्यिक यात्रा के दौरान उन्हें मिली है। मेन मोटिव ये है जी, जो हमारी भूली हुई चीज़ें हैं हम उनको स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि बाबा भलखू को मुझे लगता है कि 18 तक लोग भूल रहे थे उसको। बाबा भलखू एक को बाबा नहीं थे, वो एक ऐसे मजदूर थे जिन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड में बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने प्रेरणा दी है सब मजदूरों को। तो हम उनके बहाने हम उन सभी मजदूरों को स्मरण करते हैं इस यात्रा में, उनको श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग आज नहीं है या जो उस दुर्गम पहाड़ों में जिन्होंने जाने गवाई है, उन मजदूरों को हम याद करते हैं। ये बड़ा उद्देश्य यही है, क्योंकि आज तो मशीनें आपके पास है, वो जो मेटियों के कंसेप्ट होते थे वो नहीं है। आज बेलचा, फरुआ, गैंती सारी गुम हो गई है। अब तो मशीनों ने हाथ का काम मशीनें कर रही है, लेकिन आप तो खुद जानते हैं, आप पहाड़ी लोग हैं, कि किस तरह खोद खोद के उन्होंने मतलब हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाया था और सारे ट्रैक्स उन्होंने ही बनाए जो हाईवे, उनको हम स्मरण करते हैं इससे। एथनिक म्यूज़िक की जो मैं संभाल के कार्य में लगी हुई हूँ, उस सिले से मैं इस रेल यात्रा में शामिल हुई। हनी एक पंक्ति के साथ आपके साथ साझा करूँगी, जो कि है तो चंबे का लोकगीत, उसमें दो सत्रे मैंने अपनी जोड़ी हैं, जिसमें करनी पाड़ा दी सैर, करनी पाड़ा दी सैर, इत्थे सब अपने हो कोई ना गैर, अड के मैं चोली मंगा रब तो ऐ खैर, करिए मोहब्बत ना होए कोई वैर। क्या सी ना, ये उदे तो भी ज़्यादा वधिया है, मतलब साहित्य दे नाल जोड़न दा, सब नू जोड़ के रखन दा, ये बड़ा वधिया तरीका है। एक बाबा भलखू जी दे जिन्ना दा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। NHPC चंबा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।